हमें न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले बस यही ख्वाहिश तू। हेलो नमस्कार दोस्तों, जयशंकर के हालचाल आपके। आई होप मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो क्या दिखा रहे हो आप? मेहंदी, सावन का मंथ है ना। हाँ, सावन का महीना है तो हमने मेहंदी लगाई है, तो ये मैंने भी लगाई है थोड़ी हल्की सी, तो बैक साइड में लगाई है, तो कुछ ऐसा ऐसा करके रंग चढ़ा हुआ है। और यूट्यूब फैमिली, हमारे यहाँ जो है पड़ोस में शादी है, तो अभी फिलहाल के लिए हम वहाँ जाएंगे और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस हिसाब से जो है मेहंदी वगैरह थोड़ी जो रस्में है ना, जो मैंने अटेंड करी तो वो आपको दिखाएंगे। और यूट्यूब फैमिली से लिए चलते हैं और आज के इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और ये अभी तक नहाए नहीं है तो जल्दी से नहाओ। अच्छा ऐसे नहीं मन, तो जल्दी से जो चलते हैं और आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल के लिए मैं ये पहना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, ये पजामा भी खुल गया है। यूट्यूब फैमिली फिलहाल के लिए चलते हैं और आज के इस व्लॉग को जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड, तो इनकी आज बैंगल सेरेमनी है, तो ये एकदम तैयार हैं। और चलिए, इनकी जो है मैंने छोटी छोटी जो है क्लिप्स ऐड करी हुई हैं, थोड़ा मेहंदी की भी है। तो अभी यहाँ पे सब जो है मेहंदी लगा रहे हैं ना, जो शादी की तैयारियाँ हैं जोरों शोरों से चली हुई हैं और सब जो है अपने हाथों पे मेहंदी लगाने में डटे हुए हैं। और ये इधर गिनी जो है मेरी यूट्यूब फैमिली को हाई कर रही है, ये हेलो यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली जो कि मासी जी के पैरों में जो है मेहंदी लग चुकी है, तो इन्होंने हाथों पे नाम भी लिखा है अपना और मासड़ जी का। और यहाँ पे शुभ विवाह, उसकी डेट, सगाई की डेट भी लिखी है इन्होंने जब हुई थी, और फर्स्ट मीटअप कब हुआ था वो भी लिखा हुआ है। और पीछे पंखे की हवा एकदम जोरों शोरों से लगी हुई है और सब जो है मेहंदी लगाने में बिजी हैं। तो उसके बाद जो है हमारी अगली रस्म स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है तेल डालते हैं सर पर, उससे छिड़काव करते हैं, है ना। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे रस्म की और उसके बाद जो है पैर छुए, उसके बाद जो है बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं। और मेरी यहाँ पे फ्रेंड, मैं इसका वेट कर रही थी कि कब जो है इसकी जल्दी से टर्न हो और हम बाहर जाएं, थोड़ा देखें बाहर माहौल क्या किस हिसाब का है। तो ये भी मासी जी का आशीर्वाद लेके चल पड़े बाहर। और बाहर हमने देखा कि अभी तक कुकिंग डिपार्टमेंट जो है खाना बना रहे हैं, तो लगा हुआ है अपना कुकिंग डिपार्टमेंट खाना बनाने में। तो यहाँ पे जो है टाटे वगैरह सब कुछ बिछा दी हैं और उसके बाद आसपास का माहौल कुछ ऐसा है, और कुछ लकड़ियाँ कर रही हैं लेडीज़, और कुछ जो है वेट कर रहे हैं कि कब जो है धाम बने, कब जो है सब जल्दी से खाना खाएं। तो सब जो है कोई लेंटर पे बैठा हुआ है, कोई डेकोरेशन कर रहा है। तो इधर भैया जी बड़े प्यार से जो है लाइटिंग का जो है सारा सिस्टम देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जहाँ पे लाइट ख़राब है तो वहाँ पे ये बना रहे हैं। और इधर जीतू भाई जो है औरों को गोदी में लेके बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो कुछ लेडीज़ हैं वो लकड़ियाँ उठा के जो है खाना बनाने वालों के पास पहुँचा रही थी, क्योंकि धाम बनने वाली थी ना बहुत ज़बरदस्त वाली, तो वहाँ पर जो है सप्लाई हो रही थी वुड की। तो उसके बाद जो है इधर लेंटर पे थोड़ा मनोरंजन हो रहा था सबका। तो मेरे माताजी जो हैं कोच बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो है पुशअप चैलेंज लगा हुआ था कि कौन जो है सबसे ज़्यादा पुशअप करता है। तो यहाँ पे सारे जो हैं अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तभी ये जो है इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, तो सारे बैठे हुए हैं और मेरे माताजी हँसते हँसते हुए आ गए इस भीड़ में से, और ये डंडा फेंकते हुए, और ये चल पड़े हैं अब आगे, क्योंकि अब ये थक चुके हैं ना आगे देख के कि क्या। हाँ, बच्चों का अपना जो है मस्ती का माहौल छाया हुआ है। और उसके बाद यूट्यूब फैमिली जो शाम का टाइम हो गया था और खाना जो है एकदम तैयार था, तो सभी लोग जो हैं खा रहे हैं धाम एकदम यमी यमी टेस्टी टेस्टी वाली। और इधर किशु बोल रहे हैं मुझे कि जल्दी से बैठो आप, और आप भी बैठो और धाम खाओ। तो खाने में बना हुआ है मदरा और चावल, और दीदी यहाँ पे ताक्षु को खाना खिला रहे हैं। तो
अक्षु का जो है खाने का मन नहीं है, तो दीदी ज़बरदस्ती खिला रहे हैं क्योंकि इसने सुबह से नहीं दिन से कुछ खाया नहीं था ना। तो यहाँ पे जीतू भाई का मदरा जो है फेवरेट है, तो जीतू भाई भी बड़े चाव के साथ मदरा खा रहे हैं। और खाना खा के जो है हम डांस करने निकल पड़े, तो यहाँ पे जो है डांस का एकदम धमाल भरा माहौल बना हुआ है, सब अपने अपने मस्ती में नाचे हुए हैं। तो यूट्यूब फैमिली कुछ इसी तरह से पूरी रात जो है डीजे बजा रहा है ना, तो डीजे की आवाज़ में जो है नींद नहीं आई, सब जो है अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे जो है भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी, और वैसे करते करते जो है सुबह के 4:05 आ गए, और सोमवार का 22 जुलाई स्टार्ट हो चुका है। तो मैं भी घर से जो है निकल पड़ी, क्योंकि आज जो है मॉर्निंग में बारात के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था ना, तो उसके लिए मैं भी गई हेल्प करवाने के लिए। तो इसमें जो है सब्जी काट के रखी हुई है, और इधर चावल वगैरह सारा सिस्टम है, और लोग एकदम मज़े के साथ जिसको जहाँ जहाँ मिल रहा था सोने के लिए वहाँ सो रहे थे। तो चलिए इस डब्बे को लेके चलते हैं और नीचे जो है हेल्प करते हैं। तो इधर ये टमाटर प्याज रखे हुए हैं, तो मैं और भाभी जी मिलके काटेंगे टमाटर प्याज, और बाकी की जो लेडीज़ बैठी हुई हैं इधर मासी भाभी, तो ये बना रहे हैं पूरियां। तो हम बैठेंगे नीचे इस बोरू पे, और चलिए इस मिशन को स्टार्ट करते हैं, प्याज और टमाटर काटते हैं। तो प्याज टमाटर काटने के बाद जो है हम ये इधर इनकी हेल्प करने में लग गए। तो आटा देखो कितना सारा है ना, तो हम भी इनकी हेल्प करवाने में लग गए। और इधर नानी जी जो है इनको कॉल करनी थी, तो इन्होंने कहा मुझे नंबर डायल करके दे दे मुझे, और मैंने इनके लिए जो है नंबर डायल करा। तो इधर बात करते हुए, और इधर कुछ इस हिसाब का माहौल है, खाना बन रहा है, कई खड़े खड़े बैठे हैं, कई नीचे बैठे हैं, कईयों की नींद पूरी नहीं हुई है। इधर भाभी जी को भी बड़े ज़ोरों शोरों से नींद लगी हुई है। तो ये हमें जो है बनाते बनाते सुबह हो गई, और अभी तक जो है खाना बन नहीं पाया है ना, तो हम बड़े मज़े के साथ लगे हुए थे। तो भाभी जी देख रहे हैं, ऊपर से कुछ लोग देख रहे थे हमें, तो बोलते शाबाश शाबाश बनाओ खाना जो है, बरातियों के लिए खाना तैयार करो आप। तो फाइनली थोड़ा सा आटा कम हुआ, और ऊपर मौसम भी एकदम ख़राब है, तो आई होप बारिश जो है ना हो, है ना, क्योंकि बारिश जो है अच्छी नहीं होती, खासकर शादी ब्याह के टाइम में, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है फिर। तो फाइनली हमने जो है आटा ख़त्म कर दिया है, और ये भी बस अब लास्ट की जो है तलने के लिए बची हुई हैं छोटे छोटे ये बबरू टाइप। और इधर नानी की जो है पेट में का सेक लगाते हुए, और यूट्यूब फैमिली इनकी भी आंखों में नींद देखो एकदम ज़बरदस्त वाली आंखें, सबकी जो है वो होता है ना बत्ती गुल हो जाना, उस हिसाब से हो गई है, क्योंकि सारी रात से ये सोए नहीं हैं, और ये बस काम में लगे हुए थे सारे, और सारी रात डीजे भी बजा हुआ था ना, जिसकी वजह से नींद जो है नहीं पूरी हो पाई है सबकी। तो इधर नानी जी बड़े प्यार से जो है छेड़ा लगा रहे हैं इसमें, और इधर मामा जी जो है ये भी हेल्प कर रहे हैं दाल में तड़का लगा रहे हैं, कोई इधर ये बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब जो है सेवा में लगे हुए हैं। और खाना बनाने के बाद जो है मैं अपने घर से जो ये बेलन वगैरह लाई थी ये ले चल पड़ी घर को, और यहाँ पे देखिए लेंटर पे ही इधर ये नाना लगते हैं, तो नाना जी सो गए हैं, तो एकदम मस्त हो के ये, तो इधर ये भी देख रहे हैं माहौल नीचे का कि क्या हिसाब किताब है। तो मैंने इनको बोला क्या कर रहे हो आप, तो मैंने कहा इनको कैसे हाय कर दो, तो इन्होंने ऐसे मेरी यूट्यूब फैमिली को एक प्यारा सा हाय किया, और उसके बाद मैं चल पड़ी घर खाना बना के। तो आज है दूसरी मॉर्निंग, और आज सावन का पहला जो है सोमवार का फास्ट भी है, और मैंने ये देखो चोटियाँ बना ली हैं अभी जस्ट, मैंने सुबह सुबह बनवाई क्योंकि हमने खाना भी बनाया ना उसके बाद नहाई मैं, तो उसके बाद बालों की चंबी भी कर ली। तो अभी जो कि बारात जाने वाली है, तो थोड़ा चलिए देखाते हैं नीचे कि
क्या हो रहा है और दी यहाँ पे आगे चले हुए हैं। Thank you.
गोंडिया पूरी थी ओ तेरी ओए होए ओए होए होए ओए होए होए ओए होए तेरे ड्रामा देख उधर देख भाई किस कर रही थैंक यू भी बोलना फिर आप लेने आओगे ना कभी बाय बाय मत दो भाई अब्बा कर दे अब्बा कर दे किच्छू कर दे बाय टाटा बाय कल बाय कल फ्लाइंग की शुभ दे दे ठीक है बाय बाय खुश होगी दहेज भी लाएगा खोखा वैसा ठीक है गुने बाय दीदी बाय बाय ताजू बाय ताजू बाय ताजू बाय मूड ना बहुत बाय माशी बाय कर दे एक बार किचु करो अब फ्लाइंग किचु कर दे किचु कर दो किचु माशी ने चल लो ना अब कोड़ी बाय ओ आया मामू आया आजा इधर इधर से कर बात आओ कर माशी कर जीजू कर छड़ बाय 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 अम्मा ये और है